आइए हजरात गिरामी, अब बिला तमहीद मैं आप ही के दयार का एक नौजवान शायर जो आपके दयार की तर्जमानी पूरे हिंदुस्तान में कर रहा है, वो नाम है जनाबे आमिर दिलकश का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। ये कोपागंज का एक सितारा जो चमक रहा है हिंदुस्तान के अंदर। इरशाद पढ़िए भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी देखिए वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं गुफ्तगु बिल्कुल भी नहीं करना चाहता और अपने मेहमान शायरों की मुझे अपने मेहमान शायरों का लिहाज भी करना। मैं सीधे सीधे एक मतला तीन शेर और बस पेश करूंगा, उसके बाद जहमत तमाम। देखिए हमारे फेरिस्त में आमिर के बाद अभी छह शोरा और बाकी हैं। हाँ जी पढ़िए भाई, आमिर भाई पढ़िए। मतलब पेश कर रहा हूँ, सुनिए। पढ़िए आमिर भाई। भाई देर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हेलो हेलो, मतलब पेश कर रहा हूँ हजरत, देखिएगा मेरे बहुत ही करीब इम्तियाज साहब और हबीब साहब से तवज्जो चाहूंगा कि एक बार बोल दीजिए मचल के सुभान अल्लाह कि ऐ बवारो छोड़ दो अब दिल लगी बेकार की, दिल लगी बेकार की, ऐ बवारो छोड़ दो अब दिल लगी बेकार की, अरे इस दिल लगी बेकार की। और ये शेर मैं अपने बहुत ही करीब हबीब अंसारी साहब की नजर करता हूँ, सुनिएगा। बहुत दिल गनी आदमी है, सुनिएगा। कि देख लो तैबा मैं अपनी जिंदगी में एक बार, देख लो तैबा मैं अपनी जिंदगी में जिंदगी में जुड़ जाइए बिल्कुल इरशाद कि देख लो तैबा मैं अपनी जिंदगी में एक बार, जिंदगी में एक बार। और ये शेर मैं मौलाना फिरोज साहब से भी तवज्जो चाहूंगा कि कुफर बातिल के अंधेरे मिट गए संसार से, दिल लगी बेकार की।
बहुत शुक्रिया कि दिल और आखिरी शेर क्योंकि मेरे बाद अभी तमाम मेरे सीनियर सोरा तशरीफ फरमा है जिनको कम से कम आधे घंटे का वक्त चाहिए। आखिरी शेर पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। आमिर भाई बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत हबीब भाई दे के हरा वाला पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा जी इरशाद। कि कुफर बातिल अल्लाह अल्लाह चांद दो टुकड़े उसी पल हो गया, टुकड़े उसी पल हो गया, टुकड़े उसी पल हो गया, अल्लाह अल्लाह चांद दो टुकड़े उसी पल हो गया। अरे उठ गई जिस उठ गई जिस उंगली सही दे शुक्रिया ये बड़ी भारी भरकम दुआओं से। अरे आमिर भाई ये दिन जब आपके हाथ में पैसा चला गया तो मैं नारा लगाया था सिर्फ आपको अल्लाह अकबर कहना था, पैसे की मोहब्बत में आप नारा भूल गए। आप लगा दीजिएगा जी जी, बिल्कुल तो नहीं है ना, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैं फिर से आखिरी शेर पेश करके अपनी जगह ले लेता हूँ। उसी पल हो गया, अरे उठ गई जिस मौत उंगली सैयद अबरार। अरे वाह ये है हबीब से और कमेटी से गुजारिश है कि आइंदा अगर मुस्तकबिल में कोई भी प्रोग्राम कराइएगा तो शायर कम रखिएगा, आप चाहे जिस चीज को भी रखें ताकि सबको वक्त मिले पढ़ने का। सलाम वालेकुम अस्सलाम। बहुत उम्दा पढ़ा आमिर दिलकश ने।